जनपद में सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा जनपद के सभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, मगर उसके बावजूद कई विद्यालयों के संचालकों के द्वारा इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिलाधिकारी के आदेश को ताक पर रखकर कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के द्वारा विद्यालय को खोला जा रहा है। ऐसे में सर्दी में ठुठुरते हुए बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। अत्यधिक सर्दी और घने कोहरे के कारण छात्र छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और अन्य सभी बोर्ड के विद्यालयों का 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है, जिसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद ने भी सभी विद्यालयों को अपने द्वारा मैसेज भेजकर स्कूल बंद रखने के लिए अवगत करा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों के प्रबंधक जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिस पर मुरादाबाद के तहसील कार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सलावा खेड़ा में स्थित KGN जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक ने प्रशासन द्वारा दिए गए स्कूल की छुट्टियों के आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं समझते। विद्यालय को संचालित किया गया, जबकि 29 और 30 दिसंबर को जिला अधिकारी द्वारा स्कूलों की छुट्टियों के आदेश दिए गए, लेकिन KGN जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक के जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जब मौके पर पहुंचे सिटी चैनल के पत्रकार को स्कूल में समस्त छात्र छात्राओं की उपस्थिति पढ़ाई होती मिली, तो स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद यासीन से बात करने पर उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना कहा कि छुट्टियों में स्कूल खोलने पर भी कोई बात नहीं है, गाँव के अंदर स्कूल है, इधर कोई अधिकारी नहीं आते।